कि बस पढ़ेंगे वर्ल्ड एनर्जी एंड पावर, तो उसके बाद प्रेशर, देन वर्ल्ड एनर्जी एंड पावर, उसके बाद छोड़ेंगे वेव्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर हीट, और फिर प्लैनेट शुरू हो जाएगा. फिर डॉक्टर बहुत ही देर में बातें करेंगे. तो हेडिंग लिखिए, चैप्टर का नाम है डायनामिक्स. आप लोग और फिजिक्स का लोग क्लियर करूंगा आपको, और संतोषीफ आपको असाइनमेंट, और जब मैं नहीं हूँ उसको आपके असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, अपने लिए असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, और जो पास पेपर से रिलेटेड है तो असाइनमेंट सब सॉल्व कराएंगे, और जब मैं नहीं हूँ तो सब पढ़ाएंगे अपने साथ, दोनों मिलकर पढ़ाएंगे. जो आपने टेस्ट बनाते भी नहीं है, टेस्ट चेक भी करते हैं. अच्छा जी, डायनामिक्स में सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, होती क्या डायनामिक्स. फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मोशन को डील करती है और कंसीडर करती है द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड मास. एक थी काइनेमेटिक्स, एक होती है डायनामिक्स. फिजिक्स के ये ब्रांचेस हैं, फिजिक्स के चैप्टर्स हैं. काइनेमेटिक्स में भी हम डील करते हैं मोशन को विदाउट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ मास एंड फोर्स. यहाँ पे भी हम मोशन को डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्स को भी कंसीडर करते हैं और मास को भी कंसीडर करते हैं. तो एक बीच में कुछ तो नहीं एग्जाम्पल लेने के लिए. Dynamics is a branch of physics that deals with motion of objects while taking into account the effect of force and mass dynamics is a branch of physics that deals with motion while taking into account the effect of force and mass. तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स. सबने लिखिए फोर्स. अच्छा आपके से कौन से स्टूडेंट हैं? आईबीसीएसई वाले. ओके ठीक है. ज़रा तो राइट से और एडिक्सल वाले भी. एडिक्सल वाले भी और बाकी डीसी वाले. अब फिर मुझे आपको इससे पहले, क्योंकि ज्यादातर आईबीसीएसई वाले, इससे पहले एक डेफिनेशन आप करवानी है. चले पहले लिखे फोर्स. लिखिए व्हाट इज फोर्स. इट इज पुश और पुल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. फोर्स इज अ पुश और पुल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. वेलोसिटी चेंज करती है और
ये बोर्ड रुका हुआ है फिर का वापस नीचे चेंज करने की कोशिश करती है फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी और टेंड्स टू चेंज द वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं पता है एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है तो फोर्स क्या चाहती है बॉडी को एक्सीलरेट कराना या एक्सीलरेट करने की कोशिश करना डीसेलरेट करना या डीसेलरेट करने की हमें ट्रक के आगे खड़ा हो रोकने की कोशिश करना तो रुकेगा तो नहीं तो लिखिए देखिए फोर्स एक्सेलरेट्स फोर्स एक्सेलरेट्स और टेंड्स टू एक्सेलरेट फोर्स एक्सेलरेट करती है या एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है अच्छा इसके अलावा पेज को न्यू कर दिया कि ये स्केल है फोर्स डिफॉर्म्स करते हैं ना डिफॉर्म या टेंस टू डिफॉर्म नहीं हो रहा कोशिश करो खड़ा बन जाए दीवार में क्या बन जाओ सुपरमैन बन जाओ इंजन दीवार में नहीं हो रहा फोर्स टेंस टू डिफॉर्म देखिए इट और क्या मैंने बोला कि फोर्स एक्सेलरेट और टेंस टू एक्सेलरेट आगे लिखिए कि डिफॉर्म्स और टेंस टू डिफॉर्म इट डिफॉर्म्स डिफॉर्म करती है खराब करती है बिगाड़ती है या बिगाड़ने की कोशिश करती है टेंड्स टू डिफॉर्म इट डिफॉर्म्स और टेंड्स टू डिफॉर्म सो नेक्स्ट टाइम लिखिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it is measured in newtons force is a vector quantity and it is measured in newtons acha beta force ke bare mein sabse important cheez pata kya hai duniya mein koi force bhi jo hai na wo akeli nahi hoti kya matlab फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होती है पेयर एक एक्शन और एक रिएक्शन दुनिया में कोई फोर्स भी अकेली नहीं होगी आप कहिए सर ये क्या बात है लेकिन ना अर्थ से नीचे पुल कर रही है तो अकेली फोर्स है आपको पता है अर्थ से नीचे पुल कर रही है ये अर्थ के ऊपर पुल कर रहा है एक फोर्स उसके ऊपर एक अर्थ के ऊपर मैं दीवार को बोर्ड को मुक्का मार रहा हूं अप्लाइंग फोर्स ऑन द वॉल मुझे दर्द नहीं हुई है दीवार से अप्लाइंग फोर्स ऑन मी वॉल ने भी मुझे मुझसे पूछ लिया पेयर ए चार्ज चार्ज ए चार्ज बी लाइट चार्जेस पता है आपको क्या करते हैं क्या करते हैं लाइट चार्जेस रिपेल करते हैं रिपेल में झटका मारते हैं दफा दूर करते हैं पुश करते हैं ए चार्ज क्या करेगा बी को पुश करेगा ना तो बी क्या करेगा इसको पुश करेगा एक्शन तो फोर्सेस हमेशा पेयर में होती है दुनिया में कोई फोर्स अकेली नहीं होती हमेशा पेयर में होती है forces always act in pairs forces always act in pairs that is action and reaction that is action and reaction कॉमन फोर्सेस की बात करते हैं सम कॉमन फोर्सेस है उसकी बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं वेट सम कॉमन फोर्सेस यानी लिखिए सम कॉमन फोर्सेस वेट क्या होता है वेट व्हाट इज वेट इट इज ग्रेविटेशनल पुल वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल इट इज द ग्रेविटेशनल पुल हम अर्थ की रेफरेंस से बात करेंगे इट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ वैसे दो मैसेस के दरमियान जो ग्रेविटेशनल पुल होती है ना एवरी मैस अट्रैक्ट्स अदर मैस उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं लेकिन हम अर्थ की रेफरेंस से बात करें तो व्हाट इज वेट इट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ
भारत अच्छा अगर ये अर्थ है तो आपको पता है वेट की डायरेक्शन क्या होती है इस बॉडी की वेट की क्या डायरेक्शन होगी नॉर्मल मींस इस तरफ इस बॉडी की वेट की क्या डायरेक्शन होगी इधर बॉडी की वेट की क्या डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ तो वेट की डायरेक्शन क्या होती है वेट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ एक एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स वेट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ इट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ और वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं पता आपको ना डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी बड़ा हुआ फॉर्मूला नहीं तो आप याद कर लें डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी डब्ल्यू वेट एंड मास डी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डब्ल्यू क्या है वेट ये बोल कर लेते हैं एम क्या है बेटा मास और जी क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पता कितनी है कितनी होती है 10 न्यूटन्स पर किलोग्राम क्या मतलब है इसका एक केजी मास को अर्थ अपनी सरफेस के ऊपर 10 न्यूटन से पुल करता है 10 न्यूटन पर केजी अगर यहां पे सरफेस के ऊपर एक केजी मास पड़ा हुआ है तो अर्थ उसको कितनी दूर से पुल कर रहा है 10 न्यूटन से 2 केजी के अंदर 20 न्यूटन से 3 केजी के अंदर 20 न्यूटन से तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है 10 न्यूटन पर केजी इतना ग्रेविटेशन एक्सप्रेशन ही होता है 10 न्यूटन पर सेकंड तो 10 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या एक के जी मास को कितनी जोर से पुल कर रही है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अच्छा भाई वेट के बाद नेक्स्ट बेटा नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल नेक्स्ट पोज करना देखो नॉर्मल रिएक्शन जी बेटा एक्चुअल 9.8 होता है लेकिन हम राउंड ऑफ करके नहीं जा रहे एक्चुअली यू आर राइट इट इज 9.8 राउंडेड ऑफ क्या है होते हैं असल में आईसीएसई वालों को ना मैं डालने के इसमें फोर्स से पहले मोमेंटम बता दूं तो वो पिछले बॉल कर रहे हैं हां जी नाउ स्क्रीन प्लीज नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर नॉर्मल का मतलब होता है 90 का एंगल परपेंडिकुलर तो नॉर्मल रिएक्शन का क्या मतलब होता है परपेंडिकुलर पुश ऑफ द सरफेस देखो ये अर्थ की सरफेस है तो यहां पे एक मास पड़ा हुआ है अर्थ इसके नीचे पुल कर रही है सपोज 100 न्यूटन से ये इसका वेट हो गया अर्थ इसके नीचे 100 न्यूटन से पुश कर रही है पुल कर रही है इसका वेट 100 न्यूटन ये जाना कहां जाता है अर्थ के सेंटर पे होता है सेंटर ऑफ अर्थ बेटा अर्थ पुल कर रही है सेंटर को बुला रही है हमारे पास सेंटर पे अर्थ इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर रास्ते में क्या आ गई सरफेस अर्थ की क्या आ गई सरफेस क्या कर रही है इसको रोक रही है सरफेस इसको रोक यहां जाने से अर्थ के सेंटर पे जाने से हर चीज अर्थ के सेंटर की तरफ जाना चाहती है खड्डा खोदोगे ना तो नीचे जाएगा सरफेस पे नहीं रुका रहेगा सरफेस स्टॉप से क्यों हो क्या रहा है आप इसे नीचे पुल कर रहे हैं 100 न्यूटन से तो ये नीचे जाना चाहता है रास्ते में ऑब्स्टिकल आ गया सरफेस आ गया अब क्या करेगा ये मास क्या करेगा अपने वेट की वजह से सरफेस को नीचे पुश करेगा पुश इट पुशेस द सरफेस डाउनवर्ड अपने वेट की वजह से मैं अपने वेट की वजह से जमीन को पुश कर रहा हूं पता है नहीं करा तो मेरे पांव के नीचे हाथ रखो कितनी जोर से पुश कर रहा
किसी के पांव के नीचे आपको पांव आ रहा है, घुटना आ रहा है, थोड़ी दर्द हो रही है, तो अपनी जोर से पुश कर रही है। ओके, अब आपको बताया तो मैंने एवरी पंगा इज इक्वल एंड ऑपोजिट पंगा, यू नो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या होगा, जब अर्थ को नीचे पुश कर रही है तो अर्थ भी उसके ऊपर पुश करेगा। जो अर्थ का पुश है ना, परपेंडिकुलर पुश 90 के एंगल पे बैक करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इस एक्शन का, इस पुश का रिएक्शन। फोर्सेस हमेशा पेयर में होती है। इस मास ने अर्थ को नीचे पुश किया और अपने इसको ऊपर पुश किया। क्यों पुश किया अर्थ ने अर्थ को नीचे, अपने वेट की वजह से, या इस सेंटर में जाना चाहते हैं ना, रास्ते में सरफेस आ गई, तो ये मास अर्थ की सरफेस को नीचे पुश कर रहा है, अर्थ की सरफेस इसे ऊपर पुश कर रही है। ये जो सरफेस का पुश है ना, परपेंडिकुलर पुश, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल होगा। अगर सरफेस वर्टिकल है, जैसे कि ये बोर्ड वर्टिकल है, मैं इसको यूं पुश कर रहा हूं, ये बोर्ड ये वाला है, मैं इसको यूं पुश कर रहा हूं, तो नॉर्मल रिएक्शन क्यों एक्ट कर रहा है इस तरह। अबे अबे व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, तो लिखिए डेफिनेशन, इट इज परपेंडिकुलर पुश ऑफ द सरफेस। It is perpendicular push of the surface. It is perpendicular push of the surface. Normal reaction क्या होता है? It is perpendicular push of the surface. Perpendicular का मतलब 90 degree होगा, लेकिन लिखिए, it is always at right angle to the surface. Right angle 90 degree का है. Next point, it is always at right angle to the surface. अच्छा भाई, और अगर हम आमतौर पर जो होता है ना, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, अर्थ मुझे ऊपर को पुश कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन है। हम लोग फिर उसको पता क्या बोलते हैं, इट इज आवर अपीयरेंट वेट। नॉर्मल रिएक्शन लिखा है, इट इज द अपीयरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमें अपीयर हो रहा होता है, एक्चुअली होता नहीं है। इट इज द अपीयरेंट वेट, और इसको मेजर कैसे करते हैं, वेइंग मशीन के ऊपर, वेइंग मशीन, कंप्रेशन बैलेंस। It is measured by weighing machine, compression balance. Next beta, next force to common force is friction. It opposes
स्लाइडिंग इफेक्ट, स्लिप होने को अपोज करती है, मोशन को अपोज नहीं करती, स्लिपिंग को अपोज करती है। सुन रहे हो मेरी बात, लिखें फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द स्लाइडिंग इफेक्ट, स्लाइडिंग इफेक्ट, friction is a force that opposes sliding effect of one surface over another. Friction is a force that opposes sliding effect of one surface over another. Sliding to pata hai mujhe, sliding ki slide ho rahi hai, this is sliding. Haan ji, ye dekho कि स्लाइड हो रहे हैं, इधर को स्लाइड हो रहा है ना, तो फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रही है। बेटा स्लाइडिंग और मोशन में थोड़ा फर्क है, आप कहेंगे सर ये क्या बात है, मूवमेंट ही तो है, थोड़ा फर्क है इसमें, अभी बताता हूँ मैं। स्लाइडिंग तो जो चीज स्लाइड हो रही है, ये बॉडी है, स्लिप होती जा रही है, इधर को स्लाइड हो रही है, स्लाइडिंग और मूविंग टू द राइट, तो फ्रिक्शन लेफ्ट पे। It is slide. What happened to slide effect? Sliding effect. Sliding effect क्या करूँ? Slide होने की कोशिश है। देखो ना, मैं इसको slide कर रहा हूँ। Friction उधर एक्ट कर रही है। मैं इसको slide करने की कोशिश कर रहा हूँ। ना मोटा मोटा बैठा हूँ। Deep move हो रहा है। Sliding effect है। तो friction क्या करती है? ये motion को नहीं, sliding को oppose करती है। जिस साइड बॉडी स्लाइड हो रही है, ये स्लाइड होना चाह रही है, उसके ऑपोजिट एक्ट करती है। ठीक है, क्या लिखा आपको, इन द फोर्स दैट अपोजेस द स्लाइडिंग इफेक्ट ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर, दिस इट अपोजेस द स्लाइडिंग इफेक्ट, यानी लिख लिया ना, इट अपोजेस हो गया ना, इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द स्लाइडिंग इफेक्ट, इट एक्ट्स ऑपोजिट, इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द स्लाइडिंग इफेक्ट। फ्रिक्शन ज्यादा हो गई,
कुछ ज्यादा कर दिया आप जब क्या हाथ में लाओ आप चाहते हैं इससे हाथ ना छुड़ाए आपने हाथ गर्म से पकड़ा छुड़ा रहे हैं आप चाहते ना छुड़ाए प्लीज रुके सॉरी आपने ग्रिप को टाइट कर दिया टाइट टाइट वो से तो फिर इसमें नहीं होगा उसमें हल्का पकड़ा तो स्लिप हो जाएगी टाइट पकड़ने से क्या हुआ पुश इंक्रीज हो यू इंक्रीज योर पुश एंड पुश इंक्रीजेस देयर इज नो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है स्लिपिंग को प्रिवेंट कर देती है तो फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है पुश पे अगर खाली चेयर है तो कम जोर से पुश कर रही है इजी टू ड्रैग स्टूडेंट बैठ गया उस ज्यादा जोर से कर रही है डिफिकल्ट टू ड्रैग इज इट क्लियर और किस पर डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस देखो बेटा अभी मेरा ड्राई हाथ है तो किसी ने पकड़ा रहा तो नहीं छूट रहा अगर ये ऑयली स्किन होगी निकल जाते ना नेचर ऑफ सरफेस रफ सरफेस होगी तो ज्यादा फ्रिक्शन है स्मूथ सरफेस होगी तो कम फ्रिक्शन है लिखिए नंबर टू पहला लिखिए नॉर्मल टेंशन नंबर टू नेचर ऑफ सरफेस हाँ जी फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल टेंशन एंड नेचर ऑफ सरफेस क्या होगी रफर द सरफेस लार्जर द फ्रिक्शन स्मूदर द सरफेस स्मॉलर द फ्रिक्शन स्मूदर द फ्रिक्शन स्मूदर द सरफेस स्मॉलर द फ्रिक्शन स्मूदर द सरफेस स्मॉलर द फ्रिक्शन जितनी सरफेस रफ होगी उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी जितनी सरफेस स्मूथ होगी उतनी फ्रिक्शन कम होगी अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपने देखा होगा इसे अच्छा बेटा देन नेक्स्ट अब होती कितनी है फ्रिक्शन बेटा जरा गौर से सुनिएगा ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आ रहा ये ब्लॉक है ये चेयर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी हुई है जैसे ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना लेफ्ट पे स्लिप होना चाह रहा है ना राइट पे स्लिप होना चाह रहा है ना आगे स्लिप होना चाह रहा है पीछे स्लिप होना चाह रहा है इट इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस दिस ब्लॉक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है ये लेफ्ट राइट पे स्लिप होना नहीं चाह रहा ये चेयर लेफ्ट राइट पे स्लिप होना नहीं चाह रही इट इज नॉट ट्राइंग टू स्लिप लेफ्ट और राइट तो इस पे फ्रिक्शन कितनी है पता है इस पे फ्रिक्शन कितनी है जीरो अभी फ्रिक्शन जीरो है क्योंकि स्लिप नहीं होना चाह रहा अभी स्लाइडिंग इफेक्ट भी नहीं है तो आप जरा गौर सुनिएगा अभी फ्रिक्शन जीरो है अब मैंने इधर को पुल किया 20 न्यूटन से मैंने पुल किया इसको खींच रहा हूं रस्सी बांध के पुल कर रहा हूं 20 न्यूटन से पुल किया है पुल्ड द ब्लॉक 20 न्यूटन फोर्स इट डिडंट मूव इसका मतलब ये हुआ कि मेरी 20 न्यूटन को कोई और हिडन फोर्स है जो बैलेंस कर रही है उसके चलने से रोक रही है जो ऑपोजिट खींच रही है मैं राइट पे पुल कर रहा हूं ना लेफ्ट पे पुल कर रही है तो वो क्या है वो फ्रिक्शन है रीडर ने नजर नहीं आ रही बेटा आपने 20 न्यूटन पुल किया तो फ्रिक्शन भी कितनी होगी 20 न्यूटन बैलेंस कर रही है चलने से पहले अच्छा आपने उससे आगे फोर्स बढ़ा दी 30 न्यूटन पुल किया वो नहीं चला इसका मतलब क्या होगा फ्रिक्शन बढ़ती नहीं नहीं ये भी थ्रेडी होगी आप फोर बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन भी बढ़ती जाएगी आपने और बढ़ा दी ये वन थ्रेडी कर दी ये नहीं चला इसका मतलब फ्रिक्शन भी वन थ्रेडी होगी जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती जा रही है अच्छा फिर आपने क्या किया एकदम से फोर्स को कम कर दिया दोबारा 5 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन 130 नहीं रही अगर ये 130 रहेगी 5 रहेगी तो कुछ चलना शुरू कर देगा अनबैलेंस फोर्सेस हो जाएंगी तो फोर्स फ्रिक्शन भी कितनी हो जाएगी 5 मिनट क्या बताना चाह रहा हूं चलने से पहले जितनी अप्लाइड फोर्स उतनी फ्रिक्शन चलने से पहले जब तक बॉडी स्लिप नहीं हो रही ये स्लिप नहीं हो रही मैंने फोर्स 5 न्यूटन लगाई नहीं चल रहा 10 न्यूटन लगाया नहीं चल रहा 18 न्यूटन लगाया नहीं चल रहा इसका मतलब क्या हुआ जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं फ्रिक्शन भी बढ़ती जा रही है
तो मैंने बजाय इधर को कर रही है, मैंने इसको उधर पुश किया, इधर को पुश किया, 15 न्यूटन। अब फ्रिक्शन इधर को नहीं रहेगी भाई, ये 15 है, ये भी इधर को रहे, 15 प्लस 5 20 हो गया, तो एक्सीलरेट करना चाहिए, एक्सीलरेट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन इधर को होगी और ये भी नॉट इक्वल। तो फ्रिक्शन कितनी होगी, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन इज जीरो। अभी तुम पे अप्लाई करो, तुम इधर स्लिप होना चाह रहे हो, इधर स्लिप होना चाह रहे हो, आगे ना पीछे, फ्रिक्शन जीरो है, आई एम स्ट्रेंडिंग ऑन द रफ फ्लोर बट फ्रिक्शन इज जीरो। व्हाई इज द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, इफ समबडी पुल्स मी टू द राइट विद फोर्स ऑफ 50 न्यूटन्स, तो फ्रिक्शन इधर को बिल्ड अप हो जाएगी 50 न्यूटन्स, रोक देगी इसको, कब तक, जब तक स्लाइड नहीं होगा। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है ना वो 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन्स। तो अगर आपके अप्लाइड फोर्स 200 तक भी है तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर देगा। अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन, फ्रिक्शन 100 ऑपोजिट डायरेक्शन, अप्लाइड फोर्स 180 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 180 न्यूटन। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स हो गई है ज्यादा, अब अप्लाइड फोर्स इधर को हो गई है 300 न्यूटन, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 200 न्यूटन, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब क्या हो, अब ये एक्सेलरेट करेगा, फोर्स अनबैलेंस हो, अनबैलेंस फोर्स इक्वल नहीं रहेगी, एक्सेलरेट करेगा इस तरह। तो फ्रिक्शन कितनी होती है, जब तक बॉडी नहीं चल रही होती तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी। तो लिखिए, व्हेन द बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग, when the body is not sliding, when the body is not sliding, friction is equal to the applied force. The body is sliding, are you friction applied force be equal okay? हाँ, जब बॉडी स्लाइड हो रही होती है तो फिर उसकी वैल्यू जब फिक्स होती है जिससे ज्यादा नहीं होती, वो हमें नहीं पता कितनी होती है, हर एक की डिफरेंट होती है। तो जब तक बॉडी स्लिप नहीं हो रही तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स की इक्वल है। अच्छा, आप मुझे बता रहे हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन, फिट अप की फिट है, मैं ब्लॉक को राइट पर पुल करना चाह रहा हूँ, फ्रिक्शन किधर है मेरा, ऑब्वियसली ठीक है, ये बॉडी है, लेफ्ट स्लिप होती जा रही है, मूव कर रही है, स्लिप स्लाइड लेफ्ट होती जा रही है, तो फ्रिक्शन किधर होगी, राइट, ये तो क्लियर है। अच्छा, गाड़ी के टायर की बात करते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन स्लिपिंग को अपोज करती है, जिस साइड पे बॉडी स्लिप होना चाह रही होती है उसके ऑपोजिट एक्ट करती है। बेटा ये मैं टायर बना रहा हूं गाड़ी का, व्हील, ये कार का व्हील है और कार क्या कर रही है, इधर को एक्सेलरेट कर रही है। आप मुझे बताएं व्हील कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, अगर गाड़ी उधर जा रही है व्हील कैसे घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, गुड बेटा, ये कार का व्हील है सब और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप मुझे बतानी है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन व्हील पे किधर एक्ट कर रही है, व्हील पे किधर एक्ट कर रही है, गाड़ी राइट पे मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, गाड़ी राइट पे मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, किस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है क्या मतलब, ऐसे सोचते हैं ये मेरी
आगे क्यों चल रहा होता है, अगर स्किड भी करेंगे क्यों स्किड करेंगे, अगर यहाँ पे स्किडिंग होगी आप क्या करें, ड्रिफ्ट करते हैं तो ये पीछे कुछ स्लिप होता है। ये असल में क्या है, ये टायर है, ये स्लिप किधर होना चाह रहा है, ये जो सरफेस है ये टायर की सरफेस पीछे कुछ स्लिप होना चाह रही है। जब पीछे कुछ स्लिप होना चाह रही है तो मेरा बेटा फ्रिक्शन आ गई, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, तो फिर हाँ किस केस में पीछे स्लिप होना चाह रही है, हाँ आप इस ब्रेक मार दो टायर जाम हो गया, अब पूरी गाड़ी स्किड कर दी आगे जा रही है, अब क्या है, अब गाड़ी की सिर्फ आगे स्लिप हो रही है, तो फ्रिक्शन पीछे, अगर स्किड कर रहे हैं ना ब्रेक लगा रहे हैं टायर स्किड मार रहे हैं, अब ब्रेक लगा दी गाड़ी स्क्रीच करके आगे जा रही है, तो फिर जब गाड़ी स्क्रीच करके आगे जा रही है तो स्लिप किधर हो रही है, फिर आगे की स्लाइड होती जा रही है, फिर फ्रिक्शन पीछे होगी। मैंने कहा गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, ब्रेक भी लग रही है, एक्सेलरेटिंग स्पीड तेज हो रही है, जब गाड़ी की स्पीड तेज हो रही होती है तो रोड और टायर की फ्रिक्शन इसके इन डायरेक्शन में, रोड और टायर की फ्रिक्शन कहां पे होती है, आप देखो ना स्लिप किधर होना चाह रहा है, इस तरह सोचिए फ्रिक्शन अपोजेस स्लिपिंग, फ्रिक्शन अपोजेस स्लाइडिंग इफेक्ट, जिस साइड पे बॉडी स्लाइड हो रही है या होना चाह रही है फ्रिक्शन उसके अपोजिट है। जब आप एक्सेलरेट करते हैं जैसे टायर पे स्लिप होने के लिए यूं पीछे क्यों घूमना पड़ेगा, तो ये पॉइंट पीछे को स्लिप कर रहा है, पीछे को स्लिप होना चाह रहा है, ये घूमना है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बैकवर्ड है, पीछे को स्लिप होना चाह रहा है तो फ्रिक्शन आ जाएगा। लेकिन जब गाड़ी मूव करते 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 तो ब्रेक लगा दी, गाड़ी के टायर जैम हो गए, स्लिप होता जा रहा है, अब ये आगे भी स्लिप हो रहा है तो फ्रिक्शन पीछे हो गया, तो उसकी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन द कार इज एक्सेलरेटिंग, तो ड्रॉ कर रही है ये डायग्राम पर बना, जब इधर स्लाइड हो रहा है स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन इधर तो फ्रिक्शन इधर, जब स्लाइडिंग जब पुल इधर है तो फ्रिक्शन इधर, ये राइट पे स्लिप होना चाह रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट पे, ये स्लाइड लेफ्ट पे हो रहा है फ्रिक्शन राइट पे है। सिमिलरली अगर स्लोप पे रखा है तो इसके बारे में बताऊंगा, स्लोप के ऊपर इससे फ्रिक्शन किधर लेफ्ट पे है, स्लोप के ऊपर है, स्लोप के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, फ्रिक्शन किधर लेफ्ट पे है, गुड, ये किधर स्लिप होना चाह रहा है, डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड स्लिप होना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किधर लेफ्ट पे है, यहां पे स्लिप होना चाह रहा है, इसकी स्लाइडिंग डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड स्लिप होना चाह रहा है, फ्रिक्शन अपवर्ड, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करती है, ऑपोजिट टू द स्लाइडिंग, क्या है इट एक्ट ऑपोजिट टू द स्लाइडिंग इफेक्ट, इट अपोजिट टू स्लाइडिंग मोशन, डन। और ये रोड टाइप की लिखते हैं, गाड़ी जब एक्सेलरेट कर रही है तो फ्रिक्शन किस तरफ को है, आगे की तरफ, गाड़ी का टायर नीचे हम लिख सकते हैं it tends to slide backward, wheel tends to slide backwards, therefore friction acts forward, jaldi se aap class reading ke liye mere paas गाड़ी मूव राइट पे कर रही है, फ्रिक्शन भी राइट पे है, लास्ट रेडी देखिए जल्दी से, एक फोर्स रहेगी, हेडिंग लिखिए टेंशन, टेंशन एक फोर्स होगी, टेंशन टेंशन कहां पर होती है, आमतौर पे रोप पे होती है ना, आपके रोप पे साथ ये वेट बांधा हुआ है, रोप है, रोप पे क्या है, देयर इज टेंशन इन द रोप, रोप पे टेंशन है, या आपने क्यों रस्सी बांधी हुई है दो सपोर्ट्स के दरमियान, ये रोप है, इस रोप पे टेंशन होगी, ऐसे आपने तीन रोप्स बांधी हुई है, ये भी रोप है, ये भी रोप है, और ये भी रोप है। अब जो पहले सुन ले टेंशन के बारे में, टेंशन वो फोर्स है जो रोप के अलोंग एक्ट करती है, इस पे भी टेंशन है, इस पे भी टेंशन है, इस पे भी टेंशन है, टेंशन में खिंचाव पुल, टेंशन इन द पुल इन द स्ट्रेन, पुल
ये थ्रेड के अलोंग होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी टेंशन की। बेटा अगर सुनिए, अगर वेट 100 न्यूटन है तो इसमें टेंशन भी 100 न्यूटन है, और इस पॉइंट के रेफरेंस से जो फिक्स पॉइंट होता है ना, मतलब हम बांधा होते हैं, हमेशा टेंशन उसके ऑपोजिट एक्ट करती है। यहां पे धागे के अलोंग टेंशन है वेट के इक्वल 100 न्यूटन, यहां भी टेंशन कितनी है 100 न्यूटन, यहां भी टेंशन कितनी है 100 न्यूटन, यहां भी टेंशन कितनी है 100 न्यूटन। अच्छा अब इसके लिहाज से टेंशन की डायरेक्शन क्या है, है 100 न्यूटन, ये फिक्स पॉइंट है, तो ये नीचे की तरफ है, यहां के लिहाज से टेंशन इधर को है, यहां के लिहाज से टेंशन इधर को है। तो लिखिए टेंशन इज अ पुल इन द स्ट्रेन, टेंशन इज पुल इन द स्ट्रेन, आपका कोई स्ट्रिंग या रोप, टेंशन इज द पुल इन द स्ट्रिंग और रोप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट इट एक्ट्स अलोंग द रोप, इट एक्ट्स अलोंग द रोप अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, इट एक्ट्स अलोंग द रोप away from the fixed point बोलते हैं जहाँ पे rope attached होती है, away from the fixed point where the rope is attached, बिल्कुल लिखिए, away from the fixed point where the rope is attached, it acts along the rope, away from the fixed point where the rope is attached, ये डायग्राम बनाएंगे आप साथ, यहाँ पे टेंशन यू है, यहाँ पे टेंशन यू है, इसके लिहाज से टेंशन की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट के लिहाज से टेंशन की डायरेक्शन ये है, अगर यहाँ पे टेंशन 50 न्यूटन है, बेटा यहाँ पे टेंशन 50 न्यूटन है, यहाँ पे टेंशन 50 न्यूटन है, यहाँ पे टेंशन 50 न्यूटन है, इस रोप में टेंशन क्या है? With reference to this point ऊपर की तरफ है, with reference to this point नीचे की तरफ है, with reference to this point इस रोप के अलावा नीचे की तरफ है, इस पॉइंट के लिहाज से इधर को है, इस पॉइंट के लिहाज से इधर को है, यहाँ पे रस्सी बांधी होती है, इससे अवे होती है, हर रोप में टेंशन डिफरेंट है, और रोप से अलोंग है और अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम के नीचे नेगेटिव लाइन और दो पहले फोटो डायग्राम की एक लाइन होगी, द वैल्यू ऑफ टेंशन स्टेज कांस्टेंट अलोंग द रोप, द वैल्यू ऑफ टेंशन स्टेज कांस्टेंट अलोंग द रोप, द वैल्यू ऑफ टेंशन स्टेज कांस्टेंट अलोंग द रोप, पूरे रोप की टेंशन हर जगह पे सेम होगी। आज हमने क्या पढ़ा है सुनिए, आज हमने स्टार्ट चेयर फोर्स, फोर्स नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही, हाँ जी, फोर्स क्या होती है, पुश और पुल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिनकी डायरेक्शन होती है वेक्टर होते हैं आमतौर पर, फोर्स का पुश और पुल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और क्या करती है, फोर्स चीजों को एक्सेलरेट करती है या एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है, फोर्स डिफॉर्म करती है, ये डिफॉर्म करेगी, टेंडेंसी टू डिफॉर्म, टेंस टू डिफॉर्म, फोर्स स्पेशल पेयर्स में होती है, एक्शन और एक रिएक्शन, इसकी यूनिट न्यूटन है, और हम बड़ी तीन चार इंपॉर्टेंट फोर्स, एक तो वेट है, ग्रेविटेशन पुल हमेशा नीचे होगी, पोल सेंटर पर, डब्ल्यू इन टू एम बी, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर पुश ऑफ द सरफेस, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जब पिच नहीं क्यों मिली, और मैंने कहा था इंग्लिश में नहीं आप क्या बोल रहे हो, ऑलवेज ऐसे नहीं करते, टीचर की डिसरिस्पेक्ट होती है, आपको नहीं कहा सुन ले मेरी बात, आपके लिए पता है थोड़ा टाइम बताओगे मुझे अब खत्म कर दूँ, हाँ वेट ग्रेविटेशन पुल होती है, पॉलिटिकली डाउनवर्ड होती है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, पुश ऑफ द सरफेस, अपेरेंट वेट होता है, नॉर्मल रिएक्शन अपेरेंट वेट होता है, सरफेस के साथ हमेशा 90 एंगल पर होता है, और मेरी तीसरी गलती पड़ी फ्रिक्शन, स्लोप के सरफेस के अलोंग एक्ट करती है, जिस साइड पे बॉडी स्लिप हो रही है या होना चाह रही है उसके ऑपोजिट एक्ट करती है, मोशन तो कौन सी होती है, स्लाइडिंग मोशन, टेंडेंसी स्लाइडिंग इफेक्ट को अपोज करती है, स्लाइडिंग मोशन को अपोज करती है, तो सही है, जिस साइड पे बॉडी स्लिप होना चाह रही है उसके ऑपोजिट एक्ट करती है, किस पे डिपेंड करती है, पुश और नेचर ऑफ सरफेस, खुरदरी रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, स्मूदर सरफेस है फ्रिक्शन कम है, और किस पे डिपेंड करती है, उसी का नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करती है, और लास्ट क्या पढ़ा आपने, टेंशन, टेंशन वो फोर्स है जो रस्सी पे खिंचाव पुल होता है,
रोप पे होते हैं रॉड में होते हैं रोप के अलोंग एंड पे होते हैं और किस पॉइंट के किसके फिक्स पॉइंट जहां पे रस्सी अटैच होती है उसको फिक्स पॉइंट कहते हैं इसके रेफरेंस से टेंशन ऊपर है इसके रेफरेंस से टेंशन नीचे यहां पे टेंशन हुआ है यहां पे टेंशन हुआ है तो आज हमने ये पढ़ा है यहां से स्टार्ट करेंगे थैंक यू